दुनिया के महाविनाश की तारीख आ चुकी है। क्या आने वाले 29 अप्रैल को दुनिया बदल जाएगी? इसकी पुष्टि खुद नासा ने की है कि एक विशाल एस्ट्रॉइड एक बार फिर से धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप मिस न कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या वाकई दुनिया को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक महीने का ही वक्त बचा है? दरअसल दुनिया पर महाविनाश की घंटी बजने लगी है, जो दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता बन गई है। नासा ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि आने वाले 29 अप्रैल को दुनिया बदल सकती है। अप्रैल में अंतरिक्ष से एक एस्ट्रॉइड धरती से टकरा सकता है। इस एस्ट्रॉइड की रफ्तार 31,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एस्ट्रॉइड हिमालय जितना बड़ा बताया जा रहा है। नासा ने इस एस्ट्रॉइड के धरती के बेहद करीब से गुजरने की पुष्टि की है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि अगर ये एस्ट्रॉइड धरती से टकराया तो विनाश होगा। हो सकता है कि दुनिया से पूरी मानव सभ्यता का ही अंत हो जाए। अरबों साल पहले जब एस्ट्रॉइड धरती से टकराया था तब डायनासोर युग का अंत हुआ था। 2020 में ऐसा ही डर, ऐसा ही खौफ एक बार फिर पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों की नींद उड़ी है। सुपर पावर अमेरिका तक घबराया हुआ है क्योंकि नासा ने पुष्टि की है कि ऐसा ही एक विशाल एस्ट्रॉइड एक बार फिर से धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला है। दुनिया बदल देने वाली ये तारीख 29 अप्रैल हो सकती है। नासा की माने तो फिलहाल चिंता की बात नहीं है, लेकिन कई वैज्ञानिक इसके बाद भी आशंका जता रहे हैं कि अगर इसकी टाइमिंग में कुछ सेकंड का भी अंतर हुआ तो ये एस्ट्रॉइड धरती से टकरा सकता है और तब बहुत मुमकिन है कि इसके बाद डायनासोर की तरह पूरी मानव सभ्यता का अंत हो जाए। सबसे पहले आपको इस एस्ट्रॉइड का नाम बताते हैं। इसे 527681998IR2 नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों को अंदाजा है कि ये एस्ट्रॉइड माउंट एवरेज जितना विशाल हो सकता है और धरती पर टकराया तो तबाही हो सकती है। 6.6 करोड़ साल पहले जिस एस्ट्रॉइड के धरती पर टकराने से डायनासोर खत्म हो गए थे उसकी रफ्तार 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उस वक्त एस्ट्रॉइड की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इससे धरती पर जीवन को 3 बार खत्म किया जा सकता था। 6.6 करोड़ साल पहले मैक्सिको के युकटान प्रायद्वीप से एस्ट्रॉइड टकराया था, जिससे वहां 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे की जांच की तो वहां की चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। एस्ट्रॉइड की टक्कर से ये चट्टान वाष्प में बदल गई थी, जिसने हवा में धूल का बादल बना दिया था। नतीजा ये हुआ कि पूरी धरती ठंडी हो गई और एक दशक तक इसी स्थिति में बनी रही। उन हालात में अधिकतर जीवों की मौत हो गई थी और डायनासोर युग का भी अंत हो। हालांकि 2020 के इस एस्ट्रॉइड के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी रफ्तार डायनासोर युग को खत्म करने वाले एस्ट्रॉइड की आधी है, लेकिन इसी से आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया पर अंतरिक्ष से आ रहा ये खतरा कितना बड़ा है और क्यों वैज्ञानिक इसको लेकर चिंतित है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो बिना रुके आप देख सकें। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा आपको किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।